आलू परवल की सब्जी हम अक्सर बनाते हैं और ये कई तरह से बनाई जाती है। आज हम इसे बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं और ये सब्जी बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसे एक बार बना के देखें, आई एम श्योर आप हमेशा इसे इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। एक क्विक और इजी रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रासा किचन। तो चलिए आलू परवल की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने 250 ग्राम परवल लिया है, जिसे अच्छी तरह से छील के धो लिया है और इसे छोटे छोटे पीसेस में काटा है। 5 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिसे कि बॉयल कर लिया है और इसे भी छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। सूखे मसालों में हमने 2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून काश्मीरी मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 2 तेज़पत्ता है, दालचीनी का टुकड़ा है, 1 छोटी इलायची है और 4-5 दाने काली मिर्च, गोटा जीरा और थोड़ी सी हींग। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम करते हैं। तेल गरम हो जाए तो अपने परवल को इसमें हम डाल देंगे। परवल को हमें धीमी आंच पर कम से कम 5-6 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है, जब तक कि परवल अच्छी तरह से पक ना जाए। क्योंकि इसे हमने कढ़ाई में ही पकाना है तो इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे ताकि ये परवल जल्दी पक जाए। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके इसे मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई करना है, जब तक कि परवल का कलर चेंज ना हो जाए। इसे पकने में 5-6 मिनट लग जाते हैं। परवल अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए। अब हम इसमें अपने आलू को डाल देते हैं और हमें आलू को भी हल्का ब्राउन होने तक 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है। आलू है वो पहले से ही बॉयल है, इसलिए इसे ज़्यादा पकाने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस इसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाए। आलू परवल अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे, जीरा डाल देते हैं, हींग डाल देंगे, तेज़पत्ता और खड़े गरम मसाले डाल देते हैं। थोड़ी देर तक इसे सेकेंगे। अब हम इसमें अपने सारे सूखे मसाले डाल देंगे। कढ़ाई मेरी ज़्यादा गर्म हो गई थी तो मैंने इसे ऑफ़ कर दिया है। अब हम इसमें सारे अपने मसाले, सूखे मसाले डाल देंगे। खाली इसमें गरम मसाला अभी नहीं डालेंगे, बाकी सारे सूखे मसाले इसमें हम डाल देते हैं। सारे मसालों को हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। हमें मसालों को एकदम धीमी आंच पर ही फ्राई करना है ताकि मसाले जले नहीं। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और अब इसे पकने देंगे। अच्छी तरह से मिला लिया। अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं और स्लो फ्लेम पर मसालों को अच्छी तरह से हम पकने देते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह भुन गए हैं और उसने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम अपने फ्राइड आलू और परवल उसमें डाल देंगे। अच्छी तरह मसालों को आलू परवल के साथ मिलाएंगे। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि आलू पहले से बॉयल्ड है और परवल को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे
और उसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। फ्लेम लो टू मीडियम ही रहेगा। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी चाहिए तो आप इसमें कम पानी डालें। क्योंकि मैं थोड़ी ग्रेवी वाली बना रही हूँ तो इसमें मैं 1 कप पानी डालूंगी। नमक डाल दें, नमक स्वादानुसार डालें, क्योंकि हमने परवल जब फ्राई किया था तो उसमें भी नमक डाला था। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। मैंने 1 कप पानी डाला है। अब इसे अच्छी तरह से चला के इसे हम कवर कर देंगे। कवर करके हमें इसे 5 से 6 मिनट तक के लिए पकाना है। फ्लेम आप लो ही रखें। 5 मिनट हो गए हैं, कवर हटा देते हैं। हमारी सब्जी बनकर एकदम तैयार है। चला लेते हैं। आलू को थोड़े हल्के हाथों से हल्का मैश कर देंगे ताकि वो ग्रेवी में थोड़ी अच्छी तरह से मिल जाए और ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए। परवल भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। सब्जी देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी। अब उसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसे आप पूरी, पराठा, राइस किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती है। धनिया पत्ता डाल देंगे। मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, आलू परवल की शानदार सब्जी तैयार है जो बहुत ही डिलीशियस बनी है। ये सब्जी आप बनाइए, खाइए और खिलाइए। लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।